हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे क्लास। पिलामाने समस्ते केमती अछो? आशा करछु तुम्हारे समस्ते भले थिबो। देखो पिलामाने, आज आम क्लास 8 रो हिंदी क्वेश्चन आंसर विषय डिस्कशन करिबा। और जो मैंने चैनल को आज प्रथम कर विजिट कर जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, पाखे बेल आइकन को प्रेस कर, जहाँफल कि जिते भी न्यू वीडियो आसो तो तुम मानक फर्स्ट नोटिफिकेशन पहुँची जीव। आउ जो मैंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू। आउ जदि भिडियो भल लगे निश्चित भाव में लाइक शेयर कमेंट कर। देख पे, फास्ट तुम मौखिक क्वेश्चन रही 10 मार्क रो। शिक्षक विद्यार्थियों के बाल पत्रिका और सुडोल अक्षरों में लिखी सामग्री पढ़ने को देंगे। पे ये तुमको तुम टीचर पोएट्री पोएम बुक जो तुम रही पोएम दे पारती, ना प्रोज दे पारती, किसी भी मैगजीन हेरिका जो तुम रही है हिंदी लिखाई थी ताको सेटा तुमको रीडिंग करवाको देबे। जे मैगजीन हेरिका तो दियंती ने केवल बुक रो ही प्रोज किंबा पोएट्री तुमको गोटे गोटे चैप्टर रीडिंग करवाको दियंती। आ जो मैंने भले रीडिंग कर पारथिबो तो तांको केवल गोटे पैराग्राफ ही रीडिंग करवाको दिया जाए। तब देखो पिला मैंने नेक्स्ट कौन रही है, शिक्षक विद्यार्थियों से उनके परिवेश से संबंधित किसी घटना से संबंधित 4 प्रश्न पूछेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को निजर परिवेश संबंधित किंबा किसी किसी घटना उपर 4 प्रश्न पचारे। देखो पिला मैंने केमी प्रश्न हो पारे, प्रकृति में जल के कितने रूप है? पिला मैंने प्रकृति में जल केतटा रूप रही, 3टा रूप, तो ये हमें कौन लिखा 3 रूप है। पृथ्वी पर कुल जल का कितने प्रतिशत भाग खारा है? लूणी जल पे मैंने कहते 97%। समुद्री जल को हम क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि समुद्री जल खारा होता है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। पृथ्वी पर मीठे पानी का मुख्य स्रोत क्या होता है, भूजल या भूतल जल? जानी पाला पे जो मटी तले जल रही है भूतल जल या भूजल, पृथ्वी मीठे पानी का मुख्य स्रोत है। एबे चलो पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, लिखित कौन रही, निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। देख पे दीटा क्वेश्चन रही, ये 2.5 मार्क लखे रही, 2.5 मार्क मानते दीटा क्वेश्चन की टोटल 5 मार्क। तो यहाँ तुम्हें मैंने भल भाव लिखे गोटे लाइन ने के सारे ना, कारण ये 1 मार्क क्वेश्चन नुहे। तले देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही, मेरके क्या कहाँ रहती है, रहती थी और उसने अपने बच्चों से क्या कहा? मेरके कोठी रहुतिला आ उसे तार पिला मानंकु कौन कहुतिला? तले देखो पिला माने आंसर कौन हबो, मेरके पास के एक दुआ पर अपने बच्चों के साथ रहती थी, उसने अपने बच्चों से कहा, से तब पिला मानंकु कहला, देखो बच्चों, देखो पिला माने, खबरदार बाहर निकलो तो अपने को बचाना सीखो। खबरदार जो तुम्हें मैंने बाहर को बाहर चो निज को बचाइबा सीख, संभल कर चलो आफत से बंचो, संभाल के चलो आउ किछि भी खराब जिनस ठारु निज को रक्षा कर। पिला मैंने जानी पार्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन रही, चेतक का नाम क्यों अमर हो गया? चेतक रा नाम, चेतक गोटे घोड़ा नाम, ता नाम कहीं अमर हो गला? चेतक राणा प्रताप का सच्चा साथी था, चेतक राणा प्रताप कर भल सांग थिला। अपनी वीरता समझदारी और वफादारी के लिए चेतक का नाम अमर हो गया, निजर वीरता समझदारी वफादारी पाए चेतक रा नाम अमर हो गला। उसने खुद प्राण दे दिए पर राजा पर राणा प्रताप की जान और राजपूत शान बचाए, निज जीवन दे देला किंतु राणा प्रताप कर जीवन बचेला। तापर पिला मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन रही, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। 5 क्वेश्चन के 1 मार्क लिखाए 5 मार्क, तो 1 मार्क रही है, यार आंसर आम गोटे लाइन में देपर। भारी वर्षा हुई तो क्या हुआ, भारी वर्षा हुई तो कुएं में पानी बढ़ गया और कुएं के उस पानी के बाढ़ में पानी के साथ कुछ मेढक भी बाहर आने लगे, ये ही लिखीब। आदमी के दोस्त या दुश्मन बनते हैं, लोक मैंने मानने आमर दोस्त सांग आउ शत्रु केबे बनती, अच्छे काम करने से लोग हमारा दोस्त बनते हैं और अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो लोग दुश्मन बन जाते हैं। आदमी के बच्चों को क्या करना चाहिए, आदमी के बच्चों को सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आदमी जानवर से अच्छा है क्योंकि उसमें डैश ज़्यादा है, उसमें
नम्रता ज्यादा है, नम्रता। सही विकल्प चुनिए। महाराणा प्रताप का साथी कौन था? साथी चेतक था। तबरे फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन रहिजे, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डेटा क्वेश्चन रहिजे, अढ़े मार्क लिखा है टोटल डेटा क्वेश्चन के, 5 मार्क्स रहा। बादलों की गोद से निकलकर पूंद क्या सोचने लगी? फिर हमने एक पोएम रहा क्वेश्चन ऐसे जी, से डेटा थी ला प्रोज रहा, ए डेटा रहिजे पोएट्री रहा। तले बादल कोलोरू बाहर की बूंद कौन भाविवा को लगिला? देखा पिला मैंने तुम्हें लिखिबा, बादलों के गोद से निकलकर बूंद जैसे ही कुछ आगे बढ़ी उससे अपने निकलने पर पछताव होने लगा। वह सोचने लगी, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। से निज को निज भाविला जे मुँह जाने मो भाग्य रे कौन लिखा अच्छे, मैं बचूंगी या धूल में गिर कर खत्म हो जाऊंगी। से कहे मुझे बचीबे ना धूल में पड़े कि मुँह मरीजी, या फिर किसी जलते हुए कोयले पर गिरकर भस्म हो जाऊंगे। तपर से पुणी भाबुची नंग किसी जले बा कोयला ऊपर पड़े कि मैं भस्म हो जाबे, या फिर किसी कमल के फूल पर टपक जाऊंगा जाऊंगे, आउ नाले किसी कमल के फूल कुछ पद्म फूल ऊपर पड़े कि मैं सेठ रही जीबे। एडा इन से भाबुची। तपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पिला मैंने कौन रही जी, पुष्प बनमाली से क्या कहता है? पुष्प बनमाली को कौन कहोचे? पुष्प बनमाली से कहता है कि मुझे डाले से तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर उन अनेक वीर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देने जा रहे हो। पुष्प बनमाली को कहोचे मत तोड़ के सही रास्ते पकड़ दब, जो रास्ते कि अनेक वीर सैनिक मैंने मातृभूमि को रक्षा करने निज बलिदान देवा को चाहते। देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन रही है, निर्देश सर उत्तर दीजिए, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? कवि माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प दास के गहनों में गुंथा जाना नहीं चाहता, खाली स्थान भर। फूल कहा गहन में गुंथा जावा पाई चाहू नथिला? सुरबाला के गहनों में, तले ठीक लिखी दबा सुरबाला। नेक्स्ट है जी, ढुओ का शब्दार्थ लिखिए। ढुओ कौन? माटी का टीला, माटी का टीला। सॉरी पिला मैंने मिट्टी का टीला, मिट्टी का टीला। कुएं में कौन थे? कुएं में 10 मेंढक थे, कुएं में 4-6 मेंढक थे, 4-6 मेढक थे। आदमी जानवर से अच्छा है क्योंकि उसमें ज्यादा नम्रता है। तापर पिला मैंने नेक्स्ट देखा कौन दीजिए, निर्देशन उत्तर दीजिए, वहाँ बहुत फल मिलते हैं, संज्ञा शब्द छांटिए। फल, फल हो जी संज्ञा शब्द। तापर पिला मैंने देखो नेक्स्ट देखा कौन चाहिए, कुआ शब्द से एक वाक्य बनाए। कुआ शब्द को नहीं गोटे वाक्य लिखा कौन हम? कुआ का पानी, कुआं का पानी मधुर या मीठा होता है, मीठा होता है। तब रेकॉर्ड देख देखो, बालक का स्त्रीलिंग रूप लिखिए। बालक रा स्त्रीलिंग कौन है जीव? बालिका ही जीव, बालक रा बालिका। तब रे नेक्स्ट देखो, जीव का लिंग निर्णय कीजिए। जीव रो लिंग हो जी रा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। टहनी का बहुवचन रूप टहनिया, टहनिया। कल पिला मैंने इधर टिके भाला भाबर मन लगी बस अंगे शब्द हो ची फल कुआं से गोटे बाक्य गोटे बने बा बालक रे स्त्रीलिंग बालिका, जीव का लिंग हो ची स्त्रीलिंग, टहनी का बहुवचन रूप हो ची टहनिया। तापर देखो पिला मैंने निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए, पांचवा क्वेश्चन के 5 मार्क्स रह ची, तले गोटे क्वेश्चन के गोटे मार्क्स। समाज एक दैनिक पत्र है, इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करें। समाज एक दैनिक पत्र है, विराम चिन्हों को फुल स्टॉप दे दे। विधवा का विलोम शब्द लिखिए। विधवा का विपरीत शब्द कौन है? सधवा, सधवा। आंखें मुदना मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंखें मुदना मर जाना, मर जाना।
पीना क्रिया का प्रणाथक रूप लिखिए, पिनारा पिनारा पिलवाना पिलवाना। तपर पिलवाना नेक्स्ट देखो, वे दूत डैश है पी कोष्टक में दिए गए धातु शब्द का सही रूप वाक्य में प्रयोग करें। वे दूध पीते हैं, वे दूध पीते हैं। तपर पिलवाना नेक्स्ट देखो, हिंदी में अनुवाद कीजिए, हिंदी में ट्रांसलेशन करवा। से मैंने खाइले, उन्होंने खाया। मु कदली किनि ली, मैं किला केला खरीदी या खरीदा। ओडिया में अनुवाद कीजिए, ओडिया रे हमें अनुवाद करबा माने ट्रांसलेशन करबा। मजदूर कितना भार उठाता है, श्रमिक केते काम करुछे। राम और श्याम भाई है, राम और श्याम भाई अटंती। वह एक ईमानदार लड़का है, से गोटे सचोट पिला अटे। तले पिला माने हमर समस्त क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो गला। जदि भिडियोटी तुम्हारा भल लगी निश्चित भाव में लाइक शेयर कमेंट कर, नुआ हो सब्सक्राइब कर। थैंक यू।